इंडियन पासपोर्ट दुनिया में सबसे ताकतवर पासपोर्ट की लिस्ट में शामिल हो गया है। अब इंडियन बिना वीजा लिए 59 कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं। क्या आपको पता है इंडिया में ही पासपोर्ट 3 तरह का होता है। इनके बिना विदेश जाना नामुमकिन है, साथ ही तीनों का अलग अलग महत्व होता है। पहला रेगुलर पासपोर्ट, ये नेवी ब्लू कलर का होता है। यह साधारण लोगों के लिए बनाया जाता है। इससे कस्टम अधिकारियों या विदेश में पासपोर्ट चेक करने वाले को भी आइडेंटिफिकेशन में आसानी होती है। ब्लू कलर में जारी किए गए पासपोर्ट में शख्स का नाम होता है, जिसकी बर्थ डेट, बर्थ प्लेस का जिक्र होता है, साथ ही उसकी फ़ोटो सिग्नेचर और उससे जुड़ी कुछ और जानकारियां मौजूद होती हैं। जब एक शख्स का पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है तो वह शख्स उस पर दूसरे देश का वीज़ा लगवा कर यात्रा कर सकता है। जो दूसरा पासपोर्ट होता है, वाइट कलर यानी सफ़ेद पासपोर्ट, यह ऑफिशियल लोगों के लिए होता है। सफ़ेद रंग का पासपोर्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल को रिप्रेजेंट करता है। वो शख्स जो सरकारी कामकाज से विदेश यात्रा करता है उसे यह पासपोर्ट जारी किया जाता है। यह ऑफिशियल के आइडेंटिटी के लिए होता है। सफ़ेद पासपोर्ट के आवेदक को पासपोर्ट पाने के लिए अलग से एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जिसमें उसको यह बतानी पड़ती है कि उसको इस प्रकार की पासपोर्ट की ज़रूरत क्यों है। सफ़ेद पासपोर्ट रखने वालों को कुछ एक्स्ट्रा सुविधा मिलती है। जो तीसरा पासपोर्ट होता है, मरून कलर का, ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी कहलाता है। भारतीय डिप्लोमेट्स, भारतीय सीनियर अधिकारियों के लिए बनाया जाता है। इंडियन डिप्लोमेट और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल जैसे IPS, IAAS रैंक के लोगों को मरून रंग का पासपोर्ट जारी किया जाता है। हाई क्वालिटी के लिए अलग से एप्लीकेशन दी जाती है। इसमें इन्हें विदेशों में अलग से यात्रा के दौरान कई सुविधाएँ दी जाती हैं, साथ ही दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इसके अलावा इमिग्रेशन भी सामान्य लोगों की तुलना में काफ़ी जल्दी और आसानी से मिल जाता है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उन लोगों को दी जाती है जो भारतीय उच्च आयोग के अधिकारी या सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का रंग इसलिए अलग रखा जाता है ताकि इनकी पहचान अलग से की जा सके। इसके लिए अलग से एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जिसमें बताना पड़ता है कि आखिर उसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की आवश्यकता क्यों है। ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज करना बहुत मुश्किल होता है। रेगुलर पासपोर्ट बनवाने में खर्च, जो कि 36 पेज वाली सामान्य पासपोर्ट पुस्तिका के लिए आपको 10 साल के लिए ₹1000 लगेगा और 60 पेज वाली पासपोर्ट पुस्तिका के लिए आपको ₹1500 देने होंगे। अगर कोई 15 साल से कम उम्र का है तो उसके लिए 36 पेज वाला पासपोर्ट 5 साल के लिए बनता है, जिसमें खर्च ₹600 आता है। इसके अलावा एक और प्रकार का पासपोर्ट होता है, OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये स्पेशली उन लोगों को दिया जाता है, जो एक प्रकार का कार्ड होता है जो इंडियन सिटीजन को दिया जाता है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया जाके ये सेटल हो जाते हैं। अब यहाँ OCI की वैल्यू ये होती है कि OCI कार्ड वाले होल्डर को यहाँ पर उन्हें वोटिंग की पावर नहीं दी जाती है और वो सारी पावर नहीं मिलती जो इंडियन सिटीजन को मिलती है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।